हेलो नमस्ते। एक बार मैं आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं रवि कुमार। तो भाई मैंने रीजनिंग में 3 चैप्टर क्लियर हो चुके हैं, घड़ी, दिशा और कैलेंडर। आज चौथा चैप्टर है रैंकिंग टेस्ट का। ठीक है भाई, कौन सा चैप्टर है? रैंकिंग टेस्ट का चौथा चैप्टर। तो रैंकिंग टेस्ट में कैसे करेंगे सवालों को और क्या क्या करना है सबसे पहले। तो भाई रैंकिंग टेस्ट, तो सबसे पहले बायां और दायां, बायां दायां, तो क्या देंगे? लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, क्या क्या देंगे? लेफ्ट और राइट। तो सबसे पहले क्या है? बायां और दायां, लेफ्ट और राइट। तो सबसे पहले क्या समझेंगे? किसमें दायां कह देगा कि आपसे एक सवाल में कि एक विद्यालय में मोहन का स्थान लेफ्ट से तो है 10वां और राइट से है 11वां, तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो आप ऐसे सवालों को कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसका एक सूत्र होता है, एक ही सूत्र से सारे सवाल होंगे। तो इसमें मैं क्या क्या पढ़ाऊँ, क्या क्या आपको पढ़ाऊंगा? अधिकतम व्यक्ति, क्या पढ़ाऊंगा? अधिकतम व्यक्ति, अधिकतम व्यक्ति पढ़ाऊंगा कि अधिकतम व्यक्ति कितने हो सकते हैं, कुल व्यक्ति, कुल व्यक्ति और न्यूनतम व्यक्ति, न्यूनतम व्यक्ति। और क्या पढ़ाऊंगा? बड़ा और छोटा, बड़ा और छोटा, क्या पढ़ाऊंगा? बड़ा और छोटा। तो मैं इसमें क्या क्या पढ़ाऊंगा? अधिकतम व्यक्ति, कुल व्यक्ति, न्यूनतम व्यक्ति और छोटा व्यक्ति रैंकिंग टेस्ट में, बायां दायां। तो आपको पता लग गया होगा बाएं को क्या कहते हैं लेफ्ट और दाएं को क्या कहते हैं राइट। तो मैंने दिशा का भी, दिशा में भी ये बात बताई थी आपको। यहाँ समझ में ना आए तो दिशा का चैप्टर खोल के जरूर देखें, बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाया हुआ है। एक बार फिर से, अब सवाल कैसे आता है और सवाल को कैसे करना है तो ये देखना है आपको। बस आपसे पूछा एक सवाल, फर्स्ट टाइप का कैसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अभी सवाल नहीं लेते, सिर्फ उदाहरण बता रहा हूँ कि अमरदीप का ऊपर से कह दे, बाएं से कह दे, दाएं से कह दे, नीचे से कह दे, मैं लिख देता हूं, आगे से कह दे, आगे से या पीछे से, ऊपर से या नीचे से। तो आपको भाई रलना नहीं है, बायां आगे पीछे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे भी जुड़ जाएंगे, आगे पीछे भी जुड़ जाएंगे और बायां दायां भी जुड़ जाएंगे। तो ये तो भाई आपको पता है, बायां दायां भी जुड़ेंगे, आगे पीछे भी जुड़ेंगे, ऊपर नीचे भी जुड़ेंगे। कभी सवाल वाला बोल दे कि अमरदीप का ऊपर से आगे से 10वां स्थान और पीछे से 11वां स्थान, तो कुल व्यक्ति कितने? तो भाई बिल्कुल नहीं, बिलना नहीं है, आगे नीचे, ऊपर नीचे कहीं, आगे पीछे गए, बायां दायां कहीं, तो क्या करना है? जोड़ना है। तो भाई आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और आपसे पूछा कि अमरदीप नाम का कोई व्यक्ति है, वह आगे से 15वें स्थान पर और पीछे से 16वें स्थान पर, तो कुल कितने व्यक्ति? तो इसका एक सूत्र होता है, इसको कैसे करते हैं? तो यहां लिखते हैं टोटल, क्या लिखते हैं? टोटल, क्या लिखते हैं? टोटल, टोटल लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। ठीक है भाई, तो क्या लिखते हैं? टोटल, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। तो आपसे पूछा सवाल, मैंने बताया आपको टोटल व्यक्ति, टोटल, टोटल लेफ्ट प्लस राइट माइनस एक। तो भाई आपको बस ये सूत्र याद रखना, रैंकिंग टेस्ट में सभी सवाल इसी से हो जाएंगे, और कुछ करने ही नहीं भाई, और कुछ करने ही नहीं, बस इसी से ही। तो इसमें से हर बार एक चीज गायब करेगा, क्या करेगा? एक एक चीज गायब करेगा, क्या चीज गायब करेगा? एक चीज गायब करेगा और आपसे सवाल पूछेगा। तो बस आपको क्या रखना है? टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। ठीक है भाई,
एक बार सवाल देखते हैं हम, सवाल कैसे बनेगा ये आपको भाई समझ में आ गया होगा। बायां दायां आगे पीछे ऊपर नीचे, अधिकतम व्यक्ति कुल व्यक्ति न्यूनतम व्यक्ति बड़ा और छोटा, ये मैं आपको इसमें पढ़ाने वाला हूँ। तो भाई देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया, टोटल लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। तो अब सवाल कैसे आएगा, सवाल को देखते हैं, फर्स्ट टाइप का सवाल, ठीक है भाइयों। पहला सवाल, एक विद्यालय में आपसे पूछा कि एक विद्यालय में मोहन मोहन दाएं मोहन बाएं से मोहन बाएं से 15वें स्थान पर है, मोहन बाएं से 15वें स्थान पर है, मोहन बाएं से 15वें स्थान पर है और दाएं से 16वें स्थान पर है, एक विद्यालय में मोहन बाएं से 15वें स्थान पर है और दाएं से 16वें स्थान पर है, ठीक है भाई आपको समझ में आ गया। एक विद्यालय में मोहन नाम का कोई व्यक्ति है बाएं से 15वें स्थान पर और दाएं से 16वें स्थान पर, तो कुल कितने व्यक्ति हैं, और कुल विद्यालय में कितने व्यक्ति हैं। तो भाई इस सवाल को कैसे करेंगे, सबसे पहले तो मैंने आपको एक ही सूत्र बताया है, क्या आप कहोगे भाई टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, समझ में आ गया होगा भाई। एक बार फिर से देखते हैं, एक विद्यालय में मोहन बाएं से 15वें स्थान पर और दाएं से 16वें स्थान पर, तो कुल विद्यालय में कितने व्यक्ति हैं, तो समझ में आ गया। तो आपको टोटल बतानी है, तो मैंने कहा था एक चीज गायब देगा, टोटल बराबर लेफ्ट से कौन सा स्थान 15वां, राइट से कौन सा स्थान 16वां माइनस वन। तो आप बता दो 15 और 16 कितने होते, 31, और 31 में से एक गया 30, तो कितने व्यक्ति 30 व्यक्ति। तो भाई समझ में आ गया होगा बिल्कुल, तो भाई जिसको ना समझ में आए बताइए, ठीक है भाई एक बार फिर से देखते हैं, समझ में आ गया भाई। एक बार और फिर से एक ऐसा ही तरीके का एक और सवाल देखते हैं, तो भाई देखिए पहला सवाल हो चुका है, दूसरा सवाल कैसे करते हैं। एक पंक्ति में राहुल का बाएं से 50वां स्थान पर बैठा है और दाएं से 48वें स्थान पर, तो पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं। तो भाई ऐसे सवाल को क्या बताया था, एक चीज लिख लेंगे सबसे पहले, टोटल क्या लिख लेंगे, टोटल लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। तो आपको पता है लेफ्ट से 50वां है और राइट से कौन सा 48वां और माइनस वन, 50 और 48 98, तो कुल कितने व्यक्ति 97 व्यक्ति, समझ में आ गया होगा भाई। एक और सवाल देखते हैं, 50 व्यक्ति की एक पंक्ति में महेश बाएं से 19वां है और दाएं से कौन सा स्थान पर होगा, तो ये सवाल इम्पोर्टेंट है भाई। मैंने बताया था आपसे एक ही चीज़ को रलाएगा, एक ही चीज़ मतलब एक चीज़ को गायब कर देगा और सब चीज़ देगा। तो आपको पता लग गया टोटल लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, तो आपको पता लग गया टोटल कितने व्यक्ति हैं, टोटल पता लग गया आपको 50 व्यक्ति हैं बराबर, और बाएं से लेफ्ट से कौन सा स्थान 19वां, प्लस राइट नहीं है माइनस वन। तो अब ऐसे सवालों को क्या करेंगे, ये माइनस वाला वन जाकर इधर क्या हो जाएगा, प्लस में पहुंच जाएगा, तो 50 और 1 कितने हो जाते हैं भाई 51, और क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस में आ जाएगा 19, ठीक है भाई ये समझ में आ गया होगा। तो 50 और 1 51, 51 में से 19 घटाओगे तो कितना आएगा भाई 32, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 32वां। तो दाएं से कौन से स्थान पर होगा महेश,
तो भाई पता लग गया होगा आपको 32वें स्थान पर। तो आपको भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना। तो भाई अगली टाइप के साथ अगले दिन मिलते हैं, ठीक है भाई। आपको समझ में आया हो तो बताना ज़रूर, और वीडियो कैसी लगी हो और कुछ भी कमेंट में जो सवाल हो आपका कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू भाई।